brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जब 10 में से 6 लोग कांग्रेस की विचारधारा से लाके लाए गए हैं, 9 साल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और आप एक कुरुक्षेत्र से एक अपना कैंडिडेट नहीं ला सकते। आप आज कहते हैं जी हम आपकी बार 400 पार, 370, और आपसे हरियाणा में से आपसे कुरुक्षेत्र में कैंडिडेट नहीं चुना गया, आपने कांग्रेस कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं हूँ आशीष शर्मा। आज विशेष बातचीत में हमारे साथ IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में कुछ हरियाणा की राजनीति में बहुत उथल पथल हुई है, मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए हैं, और जो 10 सालों तक कांग्रेस की तरफ से सांसद रहे हैं नवीन जिंदल उद्योगपति, वो अब BJP की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। आपके माताजी, आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, और नवीन जिंदल के साथ जब कांग्रेस में थे तब आपने गांव-गांव जाकर उनके साथ काम भी किया है, किस तरीके से देख रहे हैं? जनता इसको पूरी तरह से नकारेगी। सबसे पहले ये सारा घटनाक्रम, जब 10 में से 6 लोग कांग्रेस की विचारधारा से लाके लाए गए हैं किन्हीं भी कारणों से, और आजकल हम देख रहे हैं कि लाया जाता है, और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू ने भी बता दिया है सारा कुछ कि कैसे कैंडिडेट को अपने तरफ लाया जाता है। यहाँ सबसे जो अहम बात समझने वाली है कि भाजपा का राजनीतिक दिवालियापन सामने नज़र आ रहा है। 9 साल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और आप एक कुरुक्षेत्र से एक अपना कैंडिडेट नहीं ला सकते। आज की डेट में, आज की तारीख में मैं ये कहना गलत नहीं समझता कि इनके कार्यकर्ता, BJP भाजपा के कार्यकर्ता नेता अपने आप को कितना ठगा महसूस कर रहे हों कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में को हमारे पे विश्वास ही नहीं है, और जो 10 साल से राजनीतिक बनवास लेके अपने उद्योग में बैठे नवीन जिंदल, जिनकी पृष्ठभूमि और जिनकी पहचान एक कांग्रेस का सांसद होने की है, उनको लाके खड़ा 45 मिनट के अंदर अंदर टिकट दी जाती है, तो ये तो राज्य सरकार का लड़ाई से, चुनाव से पहले ही हार मानना है, और वो भी तब कि जब मौजूदा मुख्यमंत्री इसी हलके से सांसद रहे। आप आज कहते हैं जी हम आपकी बार 400 पार, 370, और आपसे हरियाणा में से आपसे कुरुक्षेत्र में कैंडिडेट नहीं चुना गया, आपने कांग्रेस कर लिया, और उसके बाद ये सिर्फ TRP रेटिंग होती है जैसे, उसको बढ़ाने वाली बात है, मेरी आदर नहीं है, माता समान है, सावित्री जिंदल जी को भी भाजपा में लिया गया, इसका सही तौर पे जवाब तो जिंदल परिवार ही देगा, हमने उनके लिए काम किया था, पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के साथी हमारे समेत मेरे, हम आज भी कांग्रेस की नीतियों के साथ, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ, राज्य नेतृत्व के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और माननीय प्रधान उदयभान जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए जो भी हमारे कैंडिडेट को उतारा जाएगा उसके लिए तन मन धन से साथ लगेंगे और कार्य करेंगे। जिस तरीके से अगर राजनीति की बात करें, जब नेता जनता के बीच में जाते हैं और वोट करने के लिए अपील करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फेस वैल्यू होती है। आज नवीन जिंदल दूसरे दल में है, और वो ऐसे दल में है जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा? इतने हैवी वेट कैंडिडेट हैं नवीन जिंदल, और मुकाबला किस तरीके से होगा? हमारे जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता जी, बहुत अच्छे तरीके से अपना चुनाव अभियान चला रहे हैं,
और कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता, शीर्ष नेता, सब वर्कर साथी सब मिलजुल के उनके साथ चल रहे हैं। उसी की बौखलाहट में अगर इनको लाया गया है, बाकी तो नतीजे बताएंगे, अभी नामांकन भी नहीं लिए गए हैं। और मैं ये मानता हूँ राजनीति जब चुनाव आता है उथल पुथल होती है, आना जाना होता है, पर ऐसा कभी नहीं होता था कि जो जाने माने परिवार हैं वो ऐसा कुछ करें जैसे रवनीत बिट्टू जी हैं। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको क्या क्या चीज़ से नहीं नवाजा गया इस पार्टी द्वारा? 3 बार आप सांसद रह लें, आपके दादाजी मुख्यमंत्री रह लिए, आपकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, केंद्रीय नेतृत्व में आपकी पूरी पैठ, सारे देश में पैठ, किन कारणों से आप गए बीजेपी में? और यही बात इनकी तरफ इनके भी लागू है। तो वो कारण क्या मानते हैं आप? कारण तो ये बताएंगे क्या कारण है, अवसरवाद। कारण तो देखिए जिंदल परिवार, नवीन जी बता सकते हैं, मैं उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं। नहीं, जिस तरीके से बड़े नेता जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम भाजपा की या मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से मानते हैं? देश वाकई बहुत सही दिशा में जा रहा है ईडी और सीबीआई के नेतृत्व में। जो नेता आता है, अभी परसों रात की खबर थी जो आज कल अखबारों में थी कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर में जो घोटाला किया गया था, जिसके इतने साल से इंक्वायरी चल रही थी, उसकी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी और प्रफुल्ल पटेल जी को निर्दोष पाया गया। ऐसे ही छगन भुजबल जी के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे, अशोक चव्हाण जी, आदर्श घोटाला, भाई और बहनों, ये विधवाओं के, सैनिकों की विधवाओं के जो ज़मीन थी उसको खा गए, आज वो राज्यसभा सांसद हैं भाजपा से। सो जवाब हमको नहीं देने, जवाब उन नेताओं को देने और भाजपा को देने हैं। आपने बहुत समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।